अब अजमेर का रुख करेंगे, जहां मानसून का सीजन शुरू होने के लिए वहां भी नालों की साफ सफाई पूरी नहीं हो पाई है। इसके चलते कई इलाकों में जल भराव की समस्या के आसार हैं। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ब्रह्मपुर इलाके में गई, लोगों से बात की और उन्होंने अपनी समस्याओं में बताया कि कई सालों से बारिश लगातार आती है, आनासागर झील के ओवरफ्लो के चलते पानी भर जाता है। उसकी बड़ी वजह नालों का गंदा पानी और जो घरों में घुस आता है, इससे लोगों को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती है और उसके साथ ही साथ जहरीले जानवर भी उनका जीना दूभर कर देते हैं। आखिर कब प्रशासन इस ओर चेतेगा, क्या तैयारियां मानसून से पहले इस बार हैं, इसको लेकर एनडीटीवी की रिपोर्ट। राजस्थान में मानसून सर पर है और कुछ दिनों बाद हो सकता है तेज मूसलाधार बारिश राजस्थान सहित अजमेर में हो। इसको लेकर जिला प्रशासन के, नगर निगम के और अजमेर विकास प्राधिकरण के क्या इंतजाम है, उसका जायजा लेने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, जहां अजमेर का आनासागर झील से जुड़ा आनासागर स्केप चैनल है, जहां पर पिछले लंबे समय से कोई साफ़ सफाई नहीं हो रही, उसका जो नाले का कचरा है वो नहीं निकल पा रहा और जो नाले के आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनको ये चिंता सताई जा रही है, अगर बारिश शुरू होती है और पानी बरसता है तो निश्चित तौर पर जो नाले का जो पानी है वो इनके घरों में घुस जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये आनासागर स्केप चैनल है। यहाँ पर देखिए जो क्षमता है पानी की, हर बार बारिश आते ही ये ओवरफ्लो हो जाता है और पानी बाहर आ जाता है। हालांकि जिला प्रशासन ये जो मरम्मत का काम है, जो पिछली बारिश में जो डोलियां टूट गई थी वो रिपेयर कराने में लगा हुआ है और अगले 5-7 दिनों में भी लग सकता है बारिश शुरू हो सकती है। तो ये जो मरम्मत का काम है ये पिछले लंबे पहले ही कराया जाना चाहिए था और जो नाले में जो मलवा है वो भी पहले ही निकाला जाना चाहिए था। जिस तरीके से यहाँ पर पिछली बारिश में, पिछले मानसून में आसपास के घरों में पानी पहुँच गया था, घरों में दरार आई थी और एक मकान तो यहाँ पर ढह भी गया था। कुछ लोग हैं स्थानीय लोग, उनसे हम बात कर लेते हैं। भाई साहब, इस क्षेत्र में ये आनासागर स्केप चैनल है, बारिश मानसून आने वाला है, तो क्या है जो तैयारियां हैं वो प्रॉपर है? इस संबंध में ज्ञापन दिए थे और खूब धरना प्रदर्शन भी करा था, पर कुछ भी इस संबंध में कोई इनकी तरफ से कुछ भी मतलब कार्रवाई नहीं की गई है और अभी भी ये स्थिति है। नाला जो है कचरे से पटा पड़ा है पूरा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और पूरा मतलब नाला कचरे से पटा पड़ा है और जैसी बारिश होगी मतलब पानी पूरा सड़कों पे आ जाएगा। पिछली बार हमारी दुकानों में, यहाँ पे जितने प्रतिष्ठान है सब में पानी भर गया था, लाखों रुपए का नुकसान हुआ था यहाँ पे। तो आप क्या चाह रहे हैं, जैसे अभी ये डोली अभी बनना शुरू हुई है, कचरा निकला नहीं है जेसीबी से? नहीं, ये डोलियाँ जो बना रहे हैं ये तो इन्होंने क्या, एक हमारा यहाँ पे इनसे ये था कि यहाँ पे एल शेप नाले के अंदर नालियाँ बनाई जाए, जिससे कि पानी अगर आता है तो नाले का पानी की बाहर की तरफ नहीं आए, पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। इन्होंने बस ये दीवारों को मजबूती देने के लिए थोड़ी बहुत यहाँ पे कंक्रीट कर दी है और जो नालियाँ थी उसको भी आप देखोगे जालियाँ लगा के इन्होंने बंद कर दी है, मतलब जालियाँ आ गई है नाली के आगे, तो अब ये और कचरा फंसने वाला इसमें काम हो जाएगा जी। यहाँ पर देखिए जो मोहल्ला है, यहाँ पर कॉलोनी है, उनके अध्यक्ष जी भी हमारे साथ हैं। माथुर साहब, क्या लग रहा है, जो व्यवस्था है प्रॉपर है, बारिश आने वाली है? मैं एपी माथुर ब्रह्मपुरी शिवपुरी समिति का अध्यक्ष हूँ। हम पिछली बरसात में जब यहाँ बाढ़ आई थी, आनासागर स्केप चैनल का पानी खोला गया था, तो यहाँ का पानी तो मोहल्ले का पानी, प्रतिष्ठानों का पानी तो भरा हुआ था, वो तो निकला ही नहीं, और जितना भी आनासागर का पानी था वो और सारा घरों में भर गया, जिससे कोई घर में 1 फुट 1.5 फुट से कम नहीं था पानी, घरों में चीज़ों का नुकसान हुआ, प्रतिष्ठान हुए उनके लाखों रुपये का नुकसान हो गया। हमने साल भर से कम 101 ज्ञापन दिए होंगे प्रशासन को, नगर परिषद को, विधायक जी को, जिलाधीश महोदय को, कि नाले की सफाई प्रॉपर कराई जाए, जब बरसात हो जब चैनल गेट को बंद रखा जाए ताकि ओवरफ्लो होके घरों में पानी नहीं जावे, सड़कें बनाने के लिए किया, लेकिन रत्ती भर भी काम नहीं हुआ। ये काम जबकि प्रशासन का है, नगर निगम का है, गवर्नमेंट का है, लेकिन साल भर के अंदर जो 101 ज्ञापन दिए गए उनके नए पैसे पर भी काम नहीं हुआ है। केवल नाले के दीवार पे छिड़काव सीमेंट का किया गया, जिसका कोई मतलब नहीं है। जब तक नाले का पूरा कचरा नहीं निकलेगा, और तोपदड़े की तरफ जो नाला बना है वो थोड़ा ऊंचाई में गया,
उसका पेड़ ऊंचा करने से भी यहाँ का पानी प्रॉपरली जा नहीं पा रहा है, यहाँ का कचरा साफ नहीं हो रहा है। और मैं, मेरी उम्र 77 साल है, मैंने जिंदगी में पिछले साल पहली बार देखा कि दो पानी निकालने की मशीन है 24 घंटे काम कराए, उसके बावजूद भी पानी इतना भरा रहा कि महीनों तक भी यहाँ परेशानी रही। आज भी स्थिति ये है कि अभी जो पानी का फ्लो जाना चाहिए नाले में, नालियाँ प्रॉपर बनी हुई नहीं है, नाला प्रॉपर बना हुआ नहीं, नाले में बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं, कचरा भरा हुआ है। और अगर यही स्थिति रही तो बरसात आने वाली है और पहले से ज़्यादा नुकसान होगा। और ये भी निवेदन है कि आना सागर का पानी निकाला जाए ताकि जब ओवरफ्लो की स्थिति वर्तमान में बरसात में आने पे बने तो यहाँ डूबत क्षेत्र नहीं बन जाए, अदरवाइज आने वाले समय भी ब्रह्मपुरी शिवपुरी में डूब क्षेत्र बना रहेगा और लाखों का नुकसान होना संभव, जानमाल की भी हानि होगी। मधुर साहब ये बताएं, ये जो डोली है इससे ओवरफ्लो हो जाता है पानी? जी हाँ बिल्कुल, डोली से ओवरफ्लो हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं ये तस्वीरें, यहाँ अभी जो गहराई है करीब 10 से 12 फीट की गहराई है और अगर बारिश तेज आती है, पानी आता है तो ये डोली से बाहर आ जाएगा। अब डोली से बाहर आने के बाद आप ये तस्वीरों में देखें, जो ग्राउंड लेवल है वो डाउन है, यानी कि अगर पानी आएगा तो निश्चित तौर पर इस जगह पर ही जाएगा और जगह पर जाने के बाद यहाँ पर जो गलियाँ हैं वो तालाब में तब्दील हो जाएगी और फिर घरों में पानी भरना शुरू हो जाएगा। तो ये जो घर हैं यहाँ पर बारिश के वक्त पानी भर जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी आती है बारिश में, बहुत ज़्यादा इतना पानी भर जाता है गली में। हाँ, फिर क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, इसकी सफाई कराओ नाले की अच्छे से, इसका ड्रेनेज सिस्टम सही हो और आना सागर को खाली करें। मेन तो सबसे पहले तो आना सागर अभी खाली नहीं करते हैं लोग, बाद में खाली करते हैं, ऊपर से बारिश आ जाती है फिर गली में पानी भर जाता है। बस ये सबसे पहले आना सागर खाली होना चाहिए। एक्चुअली क्या भैया, ये जो यहाँ से पानी निकलता है ना आना सागर का, वो यहाँ से निकलने के दो रास्ते हैं, एक तो ये यहाँ से निकलता है और एक पीछे उधर मांगीलाल के उधर से भी एक कोई इसका निकास बताते हैं, पर वो यही वाला सिर्फ इसका रूट चालू है, वो वाला शायद बंद हो गया है या बंद कर दिया है, उसके लिए पता नहीं है वो क्या हुआ है उसका, क्योंकि वहाँ से पानी का निकास नहीं हो पा रहा, सारा लोड इधर आता है आना सागर का, फिर ये पानी ओवरफ्लो के गलियों में, मकानों में, लोगों के दुकानों के अंदर भर जाता है पानी। और दूसरा इन्होंने क्या करा है कि वहाँ पे आगे तोबड़ा के वहाँ से इन्होंने उसका बेड ऊंचा कर दिया है, तो वो पानी को फ्लो नहीं मिल रहा है, मतलब उधर से तो ऊंचा हो गया जहाँ से इसको निकास लेना है और यहाँ से नीचा हो गया, तो पानी यहीं जमा रहता है, फिर निकलता भी नहीं है। मतलब पिछली बार यहाँ पे इतनी मछलियाँ मर गई थी और दुर्गंध से हमारा जीना आराम हो गया था इसके लिए। यहाँ पर देखिए गली मोहल्ले में मछलियाँ आ गई थी आना सागर का। और सबसे बड़ी बात दर्शकों मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से देखिए कहीं ना कहीं ये जो कार्यक्रम है, जो सफाई है नालों की, मानसून आने से पहले प्रतिवर्ष की जाती है और प्रतिवर्ष लाखों करोड़ रुपए का खर्चा प्रशासन द्वारा किया जाता है और मगर हर साल इसी तरीके की व्यवस्था लगातार जारी रहती है। बारिश आने वाली होती है और साफ़ सफाई का काम होता है और साफ़ सफाई का काम ऐसा होता है जिससे कि जो स्थानीय लोग हैं उनको समस्या से निजात नहीं मिलती, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं हर बारिश में इसी तरीके का हाल होता है, ओवरफ्लो होता है नाली नाला और पानी मोहल्लों में आ जाता है, घरों में आ जाता है, जिससे कि जो व्यवसाय है, जो घर है, उनमें पानी चले जाता है और गंदगी होती है और नुकसान भी काफ़ी होता है। वागले जी क्या लग रहा है आपको, पिछले लंबे समय से यहाँ यही काम होता है, बारिश आती है उससे पहले साफ़ सफाई होती है, वो साफ़ सफाई नाम मात्र की होती है, पानी फिर भी आता है? बिल्कुल, यहाँ पे इतना भरा होता है पानी, लास्ट ईयर तो हमारे लिए बहुत हॉरेबल था हमारे लिए कि हम कैसे सर्वाइव किया है कि हमारे घरों के अंदर मतलब 3-3 फीट ऊपर तक पानी भरा हुआ था, मछलियाँ तैर रही थी, सांप आ रहे थे, कंटिन्यूस पानी कट ही नहीं रहा था और पानी के, और हम बाहर कुछ सामान खरीदने नहीं जा पा रहे थे क्योंकि पानी भरा हुआ था और बहुत बुरी हालत थी हमारी। और प्रशासन अभी भी सक्रिय नहीं है क्योंकि आना सागर अभी भी फुल भराव क्षमता पे है अपनी, ना ये उसको खाली कर रहे हैं कि अभी से मानसून आने वाला है कि इसकी निकासी करें, उन लोगों को कोई सुध नहीं है इस चीज़ के। अब जब मानसून आ जाएगा फिर ये खाली करेंगे, फिर मानसून का पानी प्लस आना सागर का पानी, फिर वही जो गत हमारे वर्ष में मानसून में जो हालत हुई थी वो इस बार भी होने वाली है, हमारे को ऐसा लगता है। तो कुल मिलाकर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस ओर जी। अंकल क्या होना चाहिए जिससे कि जो भराव क्षेत्र है पानी नाले का घरों में ना आए? भाई इस समय आना सागर को स्केप चैनल पहले खोल देना चाहिए ताकि नालों की जो है मिट्टी बहे, और अभी अगर सफाई होनी हो तो सफाई भी होवे ताकि जब बरसात का टाइम आया तो कम से कम दोनों तरफ का फ्लो तो एक साथ नहीं है नाले में, तब दोनों तरफ का फ्लो अगर कंटिन्यू चलेगा तो बट नेचुरल है कि पानी घरों में भरेगा। 40 साल से तो मैं देख रहा हूँ कहने लगे यहाँ, अब इस जो विगत जो गए साल गया वो वाली स्थिति पहले कभी नहीं हुई, थोड़ा थोड़ा सा पानी गनी में जो है आधा आधा एक एक फुट पानी आता था नाले में, हाँ निकल जाता था,
अब ये हालत हो गया है, कहने गई बार तो गए पूरी गली जो है करीबन 5-5 दिन तक, 6-6 दिन तक भरी पड़ी रही। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जो लोग हैं वो उनका यही कहना है कि जो प्रशासन द्वारा जो नालों की सफाई का काम है, आना सागर झील में जो भराव क्षेत्र में जो पानी भरा हुआ है उसको धीरे धीरे करके निकालें। अभी जब बारिश नहीं है तभी आना सागर फुल है, और बारिश आएगी तो ओवरफ्लो होगा, फिर पानी नालों की निकासी होगी, फिर नाले ओवरफ्लो होंगे निश्चित तौर पर। इसमें एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है, जो लोग हैं जिन्होंने व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं और नालों को बिल्कुल ढक दिया है, उसको कवर कर दिया है, जिससे कि जो पानी का प्रॉपर निकासी है वो नहीं हो पाती, एक कारण ये भी है। और यहाँ के जो लोग बाग हैं और जो क्षेत्रवासी हैं, जो शहरवासी हैं, उनका सभी की ये मांग है कि जल्द से जल्द जो आना सागर एस्केप चैनल है उसकी प्रॉपर तरीके से सफाई हो, जो गंदगी मलवा है वो बाहर निकाला जाए, जिससे कि जो बारिश का पानी है वो निश्चित तौर पर आना सागर एस्केप चैनल के सारे सारे अजमेर के आउटसाइड में जा सके और शहरवासियों को परेशानी ना हो। NDTV राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया।